बिलासपुर में नशे के काले कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नशे के सौदागरों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के लिए तैयार रहें और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब और हिमाचल सीमा पर बढ़ रही नशे की तस्करी पर भी लगाम लगाई जाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला बिलासपुर में नशाखोरी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई हो सके। ये बात जिला बिलासपुर के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने माता श्री नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने माता रानी का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की और मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी और प्रसाद भेंट किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है और जिला बिलासपुर भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब सीमा के साथ साथ सटे थाना कोट का भी दौरा करेंगे और पुलिस कर्मियों को पंजाब और हिमाचल सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए जाएंगे। ताकि जो नशे का कारोबार पंजाब से हिमाचल में चल रहा है उस पर पूरी तरह से लगाम कसी जा सके। उन्होंने कहा कि माता रानी का उन्हें आशीर्वाद मिला है तो वे लोगों के कल्याण में आम लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे जिससे हमारे युवा इस जानलेवा नशे से बच सके। जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने माता श्री नैना देवी मंदिर का दौरा भी किया और कहा कि माता श्री नैना देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का जिम्मा है और वे श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नवरात्रों के दौरान और आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कृत संकल्प रहेंगे। इस मौके पर डीएसपी नैना देवी, संजय शर्मा, चौकी प्रभारी नीलम शर्मा, होमगार्ड के इंचार्ज मंगत कुमार और पुजारी ललित मोहन भी मौजूद रहे। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत से जिला कांगड़ा में पार्टी पदाधिकारी गदगद हैं। जिला कांगड़ा प्रभारी देशराज चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर गुरचरण सिंह और धर्मशाला प्रभारी सूरज शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा ताबड़तोड़ प्रचार के बावजूद दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब हिमाचल में भी पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा, पंचायत स्तर पर पार्टी की कमेटियां बनाई जाएंगी। आगामी नगर निगम और पंचायत चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी के जिला कांगड़ा प्रभारी देशराज चौधरी ने कहा कि दिल्ली में तीसरी जीत के बाद अब हिमाचल में आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाएगा। आगामी दिनों में प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और पार्टी नगर निगम और पंचायत चुनावों में मैदान में उतरेगी। सोलन में राज्य खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मुरारी मार्केट सोलन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 दिनों तक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सोलन के विधायक धनीराम चौंडिल ने किया। इस मौके पर मांगे राम राज्य निदेशक खादी और ग्राम उद्योग विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में ग्राम उद्योग इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया। प्रदर्शनी में हिमाचल राज्य के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में आए लाभार्थियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में विभिन्न उत्पादों के 30 स्टॉल स्थापित किए गए हैं जिनमें हाथ से निर्मित वस्तुओं और खाद्य पदार्थों को रखा गया है। इस मौके पर विधायक कर्नल धनराम चौंडिल ने कहा कि ग्रामो उद्योग आज के आधुनिक दौर में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और बेरोजगारों को स्वरोजगार के माध्यम से पैरों पर खड़े होने के सुनहरी मौका प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जो सपना खादी ग्रामो उद्योग के विस्तारीकरण के लिए देखा था वह आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से खादी ग्राम उद्योग से जुड़े लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, साथ ही और लोगों को भी स्वावलंबी बनने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में खादी ग्रामो उद्योग सराहनीय कार्य कर रहा है जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या भी कम हो रही है।